खंडवा जिले के हनुवंतिया में पांचवे जल महोत्सव का शुभारंभ वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने हैंड सिटी में दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया। इसमें सीएम ने कहा कि सिंगापुर भ्रमण के दौरान सेंटोसा द्वीप देखकर उनके मन में मध्य प्रदेश में भी टापुओं को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का विचार मन में आया था, जो कि हनुवंतिया में साकार हो गया है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इंदिरा सागर के बेक वाटर के पास स्थित हनुवंतिया पर्यटन स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है। उन्होंने जल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी और देश और प्रदेश के पर्यटकों को हनुवंतिया आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर वन मंत्री डॉक्टर शाह ने माउंट एवरेस्ट विजेता भावना डेहरिया को पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने भी संबोधित किया। बूंदी से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। इंदिरा सागर के बैक वाटर, और ये बैक वाटर भी थोड़ा नहीं है, लगभग 980 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ इसका प्राकृतिक सौंदर्य। देखिए माननीय मुख्यमंत्री के संदेश हम सब लोगों ने देखा, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने लगातार इस छोटे से स्थान को दुनिया में फेमस करने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसमें कहीं कसर बाकी नहीं रखी। ये पांचवा जल उत्सव हमारे मुख्यमंत्री की देन है, और उन्होंने लगातार हर गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए घाटे और फायदे का नहीं सोचते हुए इस क्षेत्र के संस्कृति कला को भी आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज संजय महाजन जी आप देख रहे हैं कि हमारे निवाड़ का गौरव नहीं मध्य प्रदेश का गौरव है, हिंदुस्तान का गौरव है, और दुनिया में जाके और हमारे कला को हमारी संस्कृति को बिखेरते हैं और हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हैं। ऐसे कलाकारों का भी मैं सम्मान कर रहा हूं, और आप देखेंगे कि यहां पर रोज़ कोई ना कोई कलाकार का न सिर्फ सम्मान होगा बल्कि वो अपनी कला का जादू से भी आने वाले पर्यटकों का मन मोहेगा और उसका प्रचार प्रसार भी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।